अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ, दो चीज़ों के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर लेंगे। आप बाज़ार का भी कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर दी है, आप चाहें तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं। साथ ही इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 30 सेकंड्स बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। तो चलें अब इसमें कोको पाउडर शामिल करते हैं। 60 ग्राम हम इसमें कोको पाउडर शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह उसके अंदर ना बने। चलें जी, अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे लेकिन ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी इसकी रनी इसलिए है क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क को 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। साथ ही अब यहाँ पर हम कुछ कंटेनर ले लेंगे और उसमें सबसे पहले क्लिंग रैप से इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी शॉपर वो भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेस रेडी करने के लिए बटर पेपर को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि मिक्सचर जो है काफ़ी स्टिकी होता है और बटर पेपर के साथ ही चिपक के बटर पेपर फट जाएगा और ये सारा जो उसका एक मिक्सचर है वो फैल जाएगा। तो चलें अब दूसरे वाला कंटेनर भी इसके साथ फिल कर लेते हैं। साथ ही अब इनको 2 घंटों के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। और चलें अब यहाँ पर एक बटर पेपर ले लेंगे और उस पर सबसे पहले कोको पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे और 2 घंटों बाद इनको हमने फ्रीज़र से निकाला है तो इनकी कंडीशन कुछ यूँ है। आप चाहे तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बटर पेपर के सरफेस पे भी हम कोको पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद जब हमने ये ट्रफल्स ऊपर डाल दिए हैं तो इसके बाद भी इसके ऊपर हम कोको पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। आप इसको क्यूब्स में कट कर सकते हैं या अपनी चॉइस की किसी भी शेप में आप इसको ला सकते हैं। तो चलें अब इनकी कटिंग कम्प्लीट कर लेते हैं। कटिंग इनकी हो चुकी है तो चलें अब इसको फाइनल एक लुक दे देंगे और इसको एक अच्छी सी शेप में ले आएंगे। फाइनल शेप में ले आने के बाद अब इसको सर्व कर देंगे और आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।